नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है IAS UPSC इंटरव्यू क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 5 में। इस वीडियो में फिर से हम देखेंगे 10 ऐसे क्वेश्चन जो इन इंटरव्यूज़ और इसी तरह से दूसरे संबंधित इंटरव्यूज़ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो जुड़े रहिए आखिर तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल क्या है। वह क्या है जो आग में नहीं जलता और पानी में नहीं डूबता? कुछ लोगों को उसका आंसर पता हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा आसान सवाल है। ऐसी चीज़ जो आग में जलती नहीं है, पानी में डूबती नहीं है, तो पानी में ना डूबने वाली एक ऐसी चीज़ है जो प्लस आग में ना जले। सिंपल सा उसका जवाब है बर्फ। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली बात है नहीं, तो इसलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टेलीफोन के डायलिंग पैड के सभी अंकों को गुणा करने पर क्या अंक प्राप्त होगा? तो जैसे टेलीफोन का जो डायलिंग पैड होता है उसके ऊपर डिजिट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अब इसमें जनरली जो कैंडिडेट होगा वो क्या होगा, उनको मल्टीप्लाई करने में लग जाएगा। लेकिन अगर जो चतुर चलाक लोग होंगे, समझदार होंगे, तो वो क्या करेंगे, पता है कि इन सभी डिजिट्स के अंदर आ रहा है क्या शून्य, ज़ीरो आ रहा है, और ज़ीरो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो है ज़ीरो। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उस जानवर का नाम बताइए जो 30 फीट तक छलांग मार सकता है। तो ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा कंगारू। कंगारू 30 फीट, और कुछ कंगारू ऐसे हैं जो 30 फीट से ज़्यादा भी जो है छलांग मार लेते हैं, तो ये एक एवरेज हाइट होती है जहाँ तक जा सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड पर जा रहा था लेकिन पुलिस ने उसे रोका नहीं, आखिर क्यों? तो जनरली जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, उल्टी दिशा में जा रहा था, तो उसको रोक लिया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, यहाँ पर सवाल को ध्यान से पढ़ने समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक ट्रक ड्राइवर, तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि एक ट्रक ड्राइवर जा रहा था, ट्रक नहीं जा रहा था, क्योंकि ट्रक ड्राइवर पैदल जा रहा था, वो अपने ट्रक में नहीं था। अगर वो ट्रक में होता तो रॉन्ग साइड जाने पर उसको पुलिस वाले ज़रूर रोकते, लेकिन क्योंकि वो पैदल जा रहा था तो पैदल तो कोई कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकता है। आइए चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ, और ये जो सवाल है ये है क्वेश्चन नंबर 5। औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सभी देखते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता? जैसे एक औरत होती है वो किसी की बीवी होती है, माँ होती है, बेटी होती है, किसी की बहू होती है, तो इसी तरह से औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसको उसका पति नहीं देख सकता? तो पति नहीं देख सकता, तो इसका आंसर है कि पति सिर्फ तभी नहीं देख पाएगा जबकि वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, यानी कि जो विधवा वाला रूप है वो पति कभी भी नहीं देख सकता है। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हमारे पास वो है कि कोई बंदा है जेड, तो जेड के 8 लड़के हैं और उनकी एक एक बहन है, तो जेड के कुल कितने बच्चे हुए? तो ये एक अच्छा सवाल है। तो हमारे पास 8 लड़के हैं जेड के और उनकी एक एक बहन है, तो कितने हुए? अब इसमें जनरली क्या सोचेंगे कि जैसे 8 लड़के हैं तो उनकी एक एक बहन हो गई, तो 8 बहनें हो गई, और इस तरह से ये कुल मिला के 16 बच्चे हुए। जी नहीं, इस तरह से सोचना बिल्कुल गलत है। इसका जो सही जवाब है वो है कुल उसके 9 बच्चे होंगे, क्योंकि उन सभी 8 लड़कों की एक सिंगल बहन भी तो हो सकती है, तो सभी की बहन हुई ना वो एक, तो इसलिए इसका जो जवाब होगा वो होगा 9 बच्चे। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल कहता है अगर आप घर की छत पर हो और नीचे से कोई सीढ़ी हटा ले तो आप क्या करेंगे? ये जो है ये कानून से संबंधित सवाल है, तो आप ऐसे में क्या होगा, यानी कि जो ऊपर अटक गया है वो ऐसे में क्या एक्शन ले सकता है, क्या कर सकता है? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि रॉन्गफुल कंसाइनमेंट इसको बोलते हैं, ऐसी सिचुएशंस को जब कोई किसी को कहीं पर जानबूझकर फंसा देता है, जैसे कि कोई ऊपर था छत पर और नीचे से सीढ़ी हटा दी गई, इसको बोलते हैं रॉन्गफुल कंसाइनमेंट, यानी गलत कार्य उसने किया, तो रॉन्गफुल कंसाइनमेंट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज कराया जा सकता है।
अगला सवाल हमारे पास आ रहा है और ये है कि अदालत में गीता पर हाथ रखकर कसम आखिर क्यों खिलाई जाती है। बहुत बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो इस तरह का जो सीन हमेशा होता है, हमेशा ही होता है आपके ये कोर्ट वाले सीन के अंदर, तो ऐसा क्यों होता है? क्या सच में ऐसा होता भी है? और होता है तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका जो जवाब है वो इस तरह से है कि हिंदू धर्म में गीता को सर्वश्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ माना जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और ये जो है ना, ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, जो असलियत की कोर्ट होती है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो जो और पेंडिंग केसेस का नंबर है वो और कई गुना बढ़ गया होता, क्योंकि हर एक को इसी तरह से बार बार अगर कसम खिलाई जाती तो इससे और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। और फिर ये थोड़ा सा धर्म वाला इशू भी आ जाता है, तो प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में दिखाने के लिए है। और अगर आप देखेंगे कि अब जो नई आने वाली फिल्में हैं उनके अंदर भी अब इसको धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है, अब जनरली इसको नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद चले अगर हम 9वें सवाल की तरफ, क्या सीलिंग फैन को 5 नंबर के बजाय 1 नंबर पर चलाएं तो बिजली का बिल कम आएगा? कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि 1 पे चलाएंगे तो बिजली का जो बिल है वो कम आएगा, 2 पे चलाएंगे और ज़्यादा आएगा, 3 पे चलाएंगे और ज़्यादा आएगा। तो उस रेगुलेटर से क्या जो बिजली का कंट्रोल है तो उसका क्या बिजली के बिल पर भी कोई असर पड़ता है? तो ये अपने आप में एक सोचने वाला सवाल है। और इसका जवाब है कि जो हमारे पुराने वाले मीटर थे, रेगुलेटर थे, तो जो पुराने रेगुलेटर थे उनके अंदर तो ऐसा होता था कि आप चाहे 1 बार चलाएं, आप चाहे 5 पे चलाएं, आपके बिजली के बिल में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो वो उसको बोलते हैं कि जो पुराना वाला जो मीटर था वो प्रतिरोधी था। प्रतिरोधी का मतलब है कि उसके अंदर आप कितनी भी पावर से आप गुजारिए तो जो बिजली का बिल है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। उससे जितना मर्जी आप आउटपुट लीजिए, चाहे कम या ज़्यादा, बिजली के बिल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो नए वाले रेगुलेटर हैं तो उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। उनके अंदर अगर आप धीरे चलाएंगे तो बिजली के बिल जो है वो उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, बिजली का बिल आपका कम आएगा। आइए चलते हैं हमें आखिरी सवाल की तरफ। राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है, तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है बताइए? ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हर लेवल के पेपर के अंदर भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो रिश्तों वाली कहानी होती है तो इनको ज़रा ठीक से समझना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि उसने कहा कि वो मेरी पत्नी के पति, पत्नी का पति तो यानी वो खुद ही हो गया, फिर उसकी माँ यानी उसकी खुद की माँ हो गई, और उसकी माँ की बेटी, तो उसकी जो माँ की बेटी हुई तो वो तो उसकी बहन ही हुई। तो इस तरीके से उसका जो आंसर है वो है बहन, तो बहन हुई उसकी, जिसके बारे में इनडायरेक्टली यहाँ पर रिश्ता बताया जा रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ताकि हम इसके अंदर और कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो वो कर पाए। और जितना हो सके आपको अगर वैल्यूबल लगती है वीडियो तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।